हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूस कुकिंग रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है समर स्पेशल मैंगो लस्सी, जो बहुत ही रिच, थिक और क्रीमी है। समर के लिए परफेक्ट है, जैसा कि बहुत ही ज़्यादा समर हो गए हैं तो हमें इसमें कुछ ठंडा चिल्ड पीने का मन करता है। तो आप इसे बना करके बच्चों को भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर इवनिंग स्नैक्स में। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने दो मैंगो को रफली चॉप करके लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और मैंने 1/4 कप चिल्ड मिल्क लिया है, मिल्क बॉयल करके ठंडा करके लिया है, 1 टेबल स्पून शुगर है, 1/4 टीस्पून कार्डमम इलायची पाउडर है, और 1/2 कप मैंने थिक कर्ड लिया है, होममेड कर्ड है ये मेरा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम मैंने थिक लिया है, वाटरी नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले मिक्सी का एक जार लेंगे, उसमें हम मैंगो ऐड करेंगे, उसके बाद कर्ड ऐड कर देंगे एंड देन मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क के बाद जो है हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, आप इसकी जगह हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम कार्डमम पाउडर भी ऐड करेंगे। इसको लिड से क्लोज कर देंगे और अच्छी तरह मिक्सी में चर्न कर लेंगे। 50 to 55 सेकेंड्स जो है आप इसे चर्न कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप जो है कर्ड जो है थोड़ा सा वाटरी वाला ले रहे हैं तो आप इसमें जो है मिल्क ऐड ना करें, उसमें जो है एडजस्ट हो जाएगा ये। बट मैंने यहाँ पर जो है थिक कर्ड लिया था, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा मिल्क का भी इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छी तरह एक स्मूथ चर्न हो जाए। तो देखिए, लिड्स हम ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक और क्रीमी है, रिच है। आइए इसे सर्व करेंगे। सर्विंग ग्लास में पहले हम यहाँ पर मैंगो के कुछ पीसेस ऐड करेंगे ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और जब हम इसको पिएं तो मैंगो के जो चंक्स आएंगे बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब हम इसमें जो है अपनी लस्सी पोर कर देंगे। आप इसकी थिकनेस, इसकी रिचनेस और इसकी क्रीमीनेस देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट आई है। तो ये समर के लिए एकदम परफेक्ट है, चिल्ड आप बना करके इसको इंजॉय कर सकते हैं। मैंगो आसानी से मिल भी जा रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में। आइए अब हम इसकी टॉपिंग्स करेंगे। टॉपिंग्स के लिए सबसे पहले हम इसमें मैंगो के कुछ पीसेस ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें हम कुछ जो है चॉप किए हुए कैशू नट्स ऐड करेंगे। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं और अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है थोड़े से मैं यहाँ पर पिस्टैशियो ऐड कर रही हूँ चॉप किए हुए। एंड देन यहाँ पर मेरे पास कुछ सैफरन है, उसको भी हम ऐड करेंगे। इससे बहुत ही सुंदर भी दिखेगा ये हमारा मैंगो लस्सी जो है, और एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगा। सैफरन बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इस तरह से हम टॉपिंग्स कर देंगे। आप इसमें रेजिन्स भी ऐड कर सकते हैं और अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसे ऐड करके बनाएं। तो लीजिए, झटपट से जो है मैंगो लस्सी हमारी बन करके तैयार है। बहुत ही थिक, क्रीमी और डिलीशियस लस्सी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। बहुत जल्दी ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।